वेलकम गाइज, जीके एम्स क्यूज एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एम्स क्यूज एम के चैनल को और पाए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, जैसा कि आपने बोला था सर, चैप्टर वाइज करवाइए, तो बेशक आपकी डिमांड पूरी कर दी गई है, अब आपको चैप्टर वाइज ही मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट यानी कि टॉस अवस्था, तो उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ताकि हमारा चैप्टर हमारा सिलेबस कवर हो जाए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति किसी पदार्थ की टॉस अवस्था के अस्तित्व के लिए अनुकूल है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, उच्च ताप, निम्न ताप, उच्च उष्मीय ऊर्जा या फिर दुर्लभ संसजक बल। आपको राइट ऑप्शन बताना है। सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा निम्न ताप। चलते आगे गौर, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण क्रिस्टलेटोसों का नहीं है? मैंने बोला था ना आपसे कि क्रिस्टलेटोस और क्रिस्टलेटोसों के मध्य डिफरेंट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण क्रिस्टलेटोसों का नहीं है, यानी कि निश्चित एवं अभिलक्षण संलग्नता, उसमें समदेशिक प्रकृति, संपूर्ण क्रिस्टल में अवयवकणों की व्यवस्था या फिर एक वास्तविक टॉस। नहीं है, आपको बताना है कौन सा अभिलक्षण क्रिस्टलेटोसों का नहीं है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से है, तब तो आपको आ जाएगा। सो सिंपल गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड, समदेशिक प्रकृति नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि क्रिस्टल टॉस तो क्या होते हैं, असमदेशिक होते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिस्टल टॉस है? ग्रेफाइट, क्वार्टज या फिर आपका क्रोम एलम या फिर सिलिकॉन कार्बाइड, SiC जिसको बोलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर देने का आपको प्रयत्न करना है। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्वार्टज कांच, एक क्रिस्टलेटोस है। ठीक है, चलते आगे की ओर, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं गाइस आपके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रति लोह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण के व्यवस्थित सरेखा को प्रदर्शित करती है? निम्नलिखित में से कौन से व्यवस्था प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण के व्यवस्थित सरेखण को प्रदर्शित करती है? ये आपको दिया हुआ है डायग्राम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर। सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा आपको बताना है। सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर, ये वाला, ये होता है क्रम। ठीक है, चलते आगे और, क्वार्टज कांच के अपवर्तनांक के मान के सदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सभी दिशाओं में समान होता है, भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न होता है, मापा नहीं जा सकता, हमेशा शून्य होता है। क्वार्टज कांच के अपवर्तनांक के मान के सदर्भ में, ठीक है, तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट, सभी दिशाओं में समान होता है, राइट। चलते आगे को, क्रिस्टलेटोसों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गर्म करने से किसी एक ताप पर ये क्रिस्टले बन सकते हैं, लंबे समय तक रखने से ये क्रिस्टले बन सकते हैं, क्रिस्टलेटोसों को गर्म कर के सांचों में डाला जा सकता है, यह विषमदेशी प्रकृति के होते हैं। क्रिस्टलेटोसों के विषय में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि आपको पता होना चाहिए नॉलेज इसकी, तब तो आप इजीली कर पाओगे इसको। सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिक्स वाय, राइट ऑप्शन इजली है, बहुत अच्छा है, यह विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, यह सही नहीं है इसके बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेवन, क्रिस्टलेटोसों के निश्चित गलनांक का कारण क्या है? ये चार ऑप्शन आपके सामने है, क्रिस्टले जालक में अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था, लघु प्राशी होती है,
क्रिस्टल जालक में अवयवकणों की नियमित व्यवस्था दीर्घ प्रासय होती है या फिर विभिन्न दिशाओं में अवयवकणों की व्यवस्था समान होती है या फिर विभिन्न दिशाओं में अवयवकणों की व्यवस्था भिन्न होती है। तो इसका राइट ऑप्शन आप चूज कर लो ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और ऐसे क्वेश्चन आते ही ज़्यादा हार्ड नहीं आते, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्रिस्टलीय जालक में अवयवकणों की नियमित व्यवस्था दीर्घ प्रासी प्रक्षेपित होती है, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्रिस्टल जालक में आयोडीन के अणु किसके द्वारा बंधे रहते हैं, लंडन बल, द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, सहसंयोजक आबंध या फिर कूलॉम बल। राइट ऑप्शन आपको बताना है। क्रिस्टल जालक में आयोडीन के अणु किसके थ्रू बंधे रहते हैं, सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लंडन बल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जालक नेटवर्क टॉस है, SO2, I2, हीरा, H2O। बहुत इजी नेटवर्क टॉस है, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हीरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टॉस विद्युत का चालन नहीं है, MgTiO, I2H2O, केवल ए, केवल वी, CMD, या फिर BCOD। इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। सो गाइज यहाँ पर आपको स्टेट भी देखने की सॉलिड है कि लिक्विड है, ठीक है। सो यहाँ पर सभी सॉलिड है, ये वाटर भी सॉलिड है, अब तो आपको इजीली आ गया होगा। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, C और D, ठीक है, विद्युत का चालन नहीं करते। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक टॉसों का अभिलाक्षणिक नहीं है, गलित अवस्था में विद्युत चालन का बहुत कम मान, भंगुर प्रकृति, अन्योन्य क्रिया में आपका अत्यधिक प्रबल बल, या फिर विषमदेशिक प्रकृति। क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझा करो, निम्न में से कौन सा आयनिक टॉस का अभिलाक्षणिक नहीं है, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आपने टिक लगा दिया होगा और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो को चैप्टर वाइज मैंने आपको अवेलेबल करवा दिया है, टॉस अवस्था, फिर विलयन पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चलेगी, फिर सरफेस केमिस्ट्री चलेगी, सब ऐसे ही पढ़ते रहेंगे अपन चैप्टर वाइज, बायोलॉजी को भी, केमिस्ट्री को भी, और अपने दोस्तों से भी बोल दो कि GK MSQM के चैनल को ज्वाइन कर लो, रोजाना वहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते हैं आपको, चैप्टर वाइज ही करेंगे अपन अब। सो इसका राइट ऑप्शन आपने चूज कर ही लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि कौन सा आयनिक टॉस का लाक्षणिक नहीं है, तो ये पला वाला नहीं है, बाकी ये तो है, भंगुर भी होते हैं, विषमदेशी प्रकृति की भी अन्य क्रिया में अत्यधिक प्रबल बल भी होता है, ठीक है, बट गलित अवस्था में विद्युत चालन बहुत कम होता है, ये गलत बात है, अधिक होता है, ठीक है। चलते आगे को, ग्रेफाइट की उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक है, क्यों होता है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक, एकांकी इलेक्ट्रॉन युगल, मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन, धनायन के कारण या फिर ऋणायन के कारण। ग्रेफाइट पेंसिल जो होती है वो विद्युत की सुचालक क्यों होती है गाइज, सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, सिंपल सी बात है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते इसमें मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण सुचालक होती है आपकी पेंसिल ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ऑक्साइड का विद्युत सुचालक अथवा विद्युत रोधी होना ताप पर निर्भर करता है, TiO, SiO2, TiO3, MgO। कौन से ऑक्साइड का विद्युत सुचालन अथवा विद्युत रोधी होना ताप पर निर्भर करता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, सिंपल सी बात है, TiO3, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड दांतों के समान विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है, SiO2, MgO, SO2, CrO2। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका CrO2, राइट। चलते आगे को,
किसी शुद्ध क्रिस्टल में जालक स्थल द्वारा अध्यसित नहीं हो सकता अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, परमाणु। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, समझ लो पहले आप क्वेश्चन को, उसके बाद इजीली आप आंसर दे सकते हो इसका। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन द्वारा अध्यसित नहीं हो सकता, राइट। चलते आगे की ओर, ग्रेफाइट को किस रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते, चालकटोस, चालक जालकटोस या फिर सरसोजिटोस या फिर आयनिकटोस। ग्रेफाइट को किस रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते, सो गाइज हम चालन में भी कर सकते हैं, जालक में भी कर सकते हैं, सरसोजी में भी कर सकते हैं, बट आयनिक में कतई नहीं कर सकते, तो हमारा ये राइट ऑप्शन हो जाएगा आयनिकटोस, ठीक है। क्वेश्चन को पहले समझा करो, उसके बाद इजीली आंसर दिया करो। और जेकलॉन जॉब चैनल है वहाँ पर तो रोजाना इंग्लिश और हिंदी में आपको मिलते हैं, दोनों चैनलों का फ़ायदा उठा लिया करो, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है। यहाँ पर एक स्थान आपको दिया हुआ है एम्प्टी, मेदनायन और अंतराकाशीय स्थल में उपस्थित होते हैं, तो यहाँ पर क्या सेट होगा ऐसा ताकि थोड़ा जम जाए, फ्रेंकल दोष, शॉर्ट की दोष, रिक्त का दोष या फिर धातु न्यूनता दोष, तो आपको इसका राइट ऑप्शन बताना है गाइस। सो गाइस सिंपल सी बात है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंकल दोष में धनायन अंतराकाशीय स्थल में उपस्थित होते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टलों में शॉर्ट की दोष तब प्रक्षिप्त होता है जब, क्रिस्टलों में शॉर्ट की दोष तब प्रक्षिप्त होता है जब क्या, कुछ धनायन अपने जालक स्थलों से निकलकर अंतराकाशीय स्थानों में अध्यारोपित हो जाते हैं, या फिर जालक से समान संख्या में धनायन और ऋणायन अनुपस्थित होते, या फिर कुछ जालक स्थल इलेक्ट्रॉनों द्वारा अध्यसित होते, या फिर जालक में कोई अशुद्धि उपस्थित होती है। आंसर पहले आप दिया करो। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, जालक में समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन अनुपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेशों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है, धनात्मक, उदासीन, ऋणात्मक, पी अशुद्ध की सांद्रता पर निर्भर करता है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उदासीन। पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित से क्या सही है, उदासीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सिलिकन में एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए किस संयोजकता वाले पदार्थ को इसमें अब मिश्रित करना चाहिए, 2, 1, 3, 5। सिलिकॉन से एन प्रकार का अर्धचालक आपको प्राप्त करना है, किससे, सिलिकॉन से, कौन सा एन प्रकार का, तो किस संयोजकता वाले पदार्थ को इसमें अब मिश्रित आप करोगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सो आपको अब मिश्रित करना होगा 5, यानी कि ऑप्शन 4 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट। चलते आगे की ओर, क्वेश्चन है आपका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में चतुष्फल के रिक्तकाओं की कुल संख्या होती है, 6, 8, 10, 12। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में चतुष्फलीय रिक्तका की संख्या आपको बताने का है, तो सोच समझ के आप बता सकते हो, क्योंकि थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है आजकल। आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सेकंड, यानी कि 8 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही अच्छे अच्छे एमसीक्यूज प्रिपेयर कर रखे हैं, बस आपको तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना है, रोजाना मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि सब्सक्राइब करना आपका एडमिशन है इसमें जीके एमसीक्यूज एम के चैनल में। AGBR क्रिस्टल द्वारा निम्न में से कौन से बिंदु दोष प्रदर्शित किए जाते हैं,
शॉर्ट की दोष, फ्रेंकल दोष, धातु आदित्य दोष, धातु न्यूनता दोष। तो ये तो पहले उन्होंने लिख दिया, और जो आपके लिए ऑप्शन दिए गए कि ए और वी, सी एवं डी, ए सी या फिर बी डी। क्रिस्टल द्वारा निम्न में से कौन से बिंदु दोष प्रदर्शित किए जाते हैं? सो सिंपल सी बात है, ऑप्शन फर्स्ट ए और बी, शॉर्ट की दोष और फ्रेंकल दोष। कितना अच्छे एमसीक्यूज है, और देखना आपको तो इजीली मिल जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन, तो और सिलेक्शन तो वैसे हो जाएगा, पर देखना घबराने वाली बात ही नहीं है। किस युगम में सर्वाधिक संकुलन क्षमता है? एचसीपी तथा बीसीसी, एचसीपी तथा सीसीपी, बीसीसी तथा सीसीपी, या फिर बीसीसी तथा आपके सरल गणित कोष्ठिका। सो आपने कर लिया वो सिलेक्ट, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एचसीपी तथा सीसीपी। अगला क्वेश्चन है, अंत केंद्रित घनीय व्यवस्था में रिक्त स्थान का प्रतिशत होता है 74, 68, 32 या फिर 26, कितना होता है? ठीक है, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, षटकोणीय निविड संकुलन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उप संयोजन संख्या 12 होती है, इसमें संकुलन क्षमता 74 होती है, द्वितीय प्रत की चतुष्फलीय रिक्तियां तृतीय प्रत के गोलों द्वारा अच्छादित होती है, या फिर इस प्रकार की व्यवस्था में चतुर्थ प्रत के गोले प्रथम प्रत के गोलों से पूर्णतया संरेखित होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाइक आएंगे तो देखो मिलते रहेंगे, एक दिन में दो दो वीडियो भी मिल सकते हैं आपको, ठीक है ना? कोशिश रही तो लाइक दे के, आपके कमेंट दे के अच्छे अच्छे, क्योंकि सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके अच्छे लाइक आएंगे, अच्छे कमेंट आएंगे, अच्छे सब्सक्राइबर आएंगे, अच्छे शेयर आएंगे इसके। तो सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। इस प्रकार की व्यवस्था में चतुर प्रत के गोले प्रथम प्रत के गोलों से पूर्णतः सर्किट होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस संकुलित संरचना में धनायन तथा ऋणायन के लिए उप संयोजन संख्या समान होगी? क्लोरीन आयन एफसीसी जालक बनाते हैं, और सोडियम आयन एकल कोष्ठिका की सभी अष्टपिलीय रिक्तियों में उपस्थित होते हैं, कैल्शियम आयन एफसीसी जालक बनाते हैं, और एफ आयन एकल कोष्ठिका की सभी 8 चतुष्पलीय रिक्तियों में उपस्थित होते हैं, या फिर O2 जो होता है आपका आयन एफसीसी जालक बनाते हैं, और सोडियम आयन एकल कोष्ठिका की सभी 8 चतुष्पलीय रिक्तियों में उपस्थित होते हैं, या फिर H2 आयन FCC जालक बनाते हैं, और जिंक आयन एक कोष्ठिका की एकांतर चतुष्पलीय रिक्तिकाओं में स्थान लेते हैं। आपको राइट ऑप्शन बताना है। क्वेश्चन रीडिंग कर सकते हो एक बार, निम्न में से किस संकुलित संरचना में धनायन तथा ऋणायन के लिए उप संयोजन संख्या समान होगी? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो लगाओ अपना दिमाग, कितना आपने पढ़ा हुआ है, लगा लिया? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। ठीक है, चलते हैं जैगी कोर, तैयारी कम रही है तो इसी वीडियो को दो बार देख लो। दीवी में वृक्ष निविड संकुलित संरचना में उप संयोजन संख्या क्या होती है? 2, 3, 4, 6। दीवी में वृक्ष निविड संकुलित संरचना में उप संयोजन संख्या क्या होती है? ऑप्शन 3, 4। ठीक है, चलते आगे। अपमिश्रित से किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है? सो आपको दिया हुआ है संवरण दोष, शॉर्ट की, फ्रेंकल, है कि नहीं, तो इलेक्ट्रॉनीय दोष। तो अपमिश्रित से किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है आपको बताना है। तो सिंपल वो होता है इलेक्ट्रॉनीय दोष, ठीक है, अब मिश्रित से। अगला है आपका,
सिलिकन में इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि को अभिमिश्रित करने पर बनता है। पी प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक या फिर आंतर अर्धचालक या फिर कुचालक। सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि को अभिमिश्रित करने पर क्या बनता है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, यानी कि एन प्रकार का अर्धचालक। हाँ बिल्कुल, एन प्रकार का ही बनेगा। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चुंबकीय क्षेत्र में अनुचुंबकीय पदार्थ का क्षीण आकर्षण होता है। लोह चुंबकीय पदार्थ को अस्थायी रूप से चुंबक तत्व प्रदान नहीं किया जा सकता। प्रति लोह चुंबकीय पदार्थों में डोमेन परस्पर विपरीत अभिनय क्रिया, जो अन्य क्रिया होती है ना, वो होती है। या फिर प्रति चुंबकीय पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों का संयुग्मन उनके चुंबकीय आघूर्ण को आपस में क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चारों ऑप्शन आपको पढ़ने हैं, अच्छे से समझने हैं, उसके बाद इसका आंसर देना है। सत्य नहीं है यानी कि तीन जो ऑप्शन है वो तो सत्य है। सो गाइस, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड वाला, यानी कि लोह चुंबकीय पदार्थ को अस्थायी रूप से चुंबक तत्व प्रदान नहीं किया जा सकता। राइट है कि नहीं? हाँ, लोह चुंबकीय पदार्थ को अस्थायी रूप से चुंबक तत्व प्रदान नहीं किया जा सकता, ये सही बात है। चलते आगे को, आयनिक टॉसों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आयनिक टॉसों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बड़े आयन निविड संकुली संरचना बनाते हैं, छोटे आयन अपने आकार के अनुसार चतुष्फलकीय अथवा अष्टफलकीय रिक्तियों में अध्यसित होते हैं। या फिर सभी रिक्तियां अध्यसित होना आवश्यक नहीं होता। या फिर चतुष्फलकीय या फिर अष्टफलकीय रिक्तियों का अध्यसित अंश रिक्तियों में अध्यसित होने वाले आयनों की त्रिज्या पर निर्भर करता है। आयनिक टॉसों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर, यानी कि चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय रिक्तियों का अध्यसित अंश रिक्तियों में अध्यसित होने वाले आयनों की त्रिज्या पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, लोह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अस्थायी चुंबक बन जाते क्यों? क्योंकि सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं में अभिविन्यासित हो जाते। सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में अभिविन्यासित हो जाते। डोमेन यथास्थित रूप से अभिविन्यासित हो जाते, डोमेन चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रभावित नहीं होते। तो आपने डोमेन सब पढ़ रखे, तो बता दो क्या रीजन है, बेकाउस बताइए। आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, यानी कि सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अस्थायी चुंबक इसलिए बन जाते हैं। इस प्रकार से आंसर होना चाहिए आपका माइंड में क्लियर, तब जाके आप वो जो टिक लगाने वाली बात आती है ना, तब जाके आप सही लगा पाओगे। और जिन्होंने टिक सही लगा दिया ना, तो उसकी लाइफ के सेटल का भी टिक सही लग जाएगा। ठीक है, तो आपके हाथ में टिक लगाना नहीं लगाना, ठीक है? अच्छा पढ़ोगे तो सही टिक लगा पाओगे, और जो नहीं पढ़ेंगे ना, तो उसका तो बस टिक ही गलती लगेगा, तो लाइफ का टिक भी गलती लगेगा फिर। ठीक है, तो तभी तो हम बोलते हैं कि मेहनत करो, और आपके साथ साथ हम भी कर रहे हैं, रात में जग जग के आपके लिए वीडियो बना रहे हैं कि स्टूडेंट का कुछ भला हो जाए, इंट्रांस उनका क्लियर हो जाए, कंपटीशन एग्ज़ाम उनका फाइट हो जाए। ठीक है ना, तो आप भी मेहनत किया करो गाइस, आपको तो हमसे भी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, तो हम तो कर ही रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का प्यार जो देखने को मिल रहा है, लाइक सब्सक्राइब और व्यूज़ तो बढ़ाना चाहिए। देखो एक वीडियो को दो बार देख लिया करो, अगर ऐसी भी दिक्कत हो तो। ठीक है, जितने अच्छे व्यूज आएंगे हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, और वीडियो को शेयर जरूर किया करो। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार की एकक कोष्ठिकाओं में संकुलन क्षमता का सही क्रम है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, FCC BCC सामान्य गणी, FCC BCC सामान्य गणी, FCC BCC या फिर सामान्य गणी या फिर BCC FCC, ये क्रम देख लो आप, एरो में फर्क के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका FCC, ये ज़्यादा है, BCC और सामान्य घनी है। ठीक, अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा दोष संभ्रंश दोष भी कहलाता है? फ्रेंकल शॉर्ट के नॉन स्टॉइकोमेट्री या फिर सामान्य अंतर्काशय? कौन सा दोष संभ्रंश दोष भी कहलाता है? कौन सा कहलाता है? सिंपल फ्रेंकल दोष। ठीक है, अगला है आपका घनीय निविड संकुलन की एका कोष्टिका में चार चतुष्पल के रिक्त काय होते जो चार समवर्ती एका कोष्टिकाओं द्वारा सहभाजित होती है। एका कोष्टिकाओं के भीतर चार चतुष्पल के रिक्त काय होते हैं या फिर आठ चतुष्पल के रिक्त काय होते हैं जो चार समवर्ती एका कोष्टिकाओं द्वारा सहभाजित होती है। एका कोष्टिका के भीतर आठ चतुष्पल के रिक्त काय होते हैं। एक आपका क्वेश्चन है कि घने निविड संकुलन की एक कोष्टिका में रिक्त स्थान यहाँ पर दिया हुआ है। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक कोष्टिका के भीतर आठ चतुष्पल के रिक्तकाएँ होती है। ठीक है, घने निविड संकुलन की एक कोष्टिका में एक कोष्टिका के भीतर आठ चतुष्पल के रिक्तकाएँ होती है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सो ये 35 हमने डिस्कस किए, कितने क्वेश्चन आपके सही थे कितने क्वेश्चन आपके गलत थे कमेंट करके बता सकते हो। और आप जेक्लोन जॉब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रोजाना मिलते हैं। ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसका। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए और चैप्टर वाइज ही हम डिस्कस करेंगे अब। ठीक है, ओके, धन्यवाद।